अब सर जो आर्टिस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, दरअसल उनके ग्रुप का नाम है ग्रुप कॉकटेल्स। ये बहुत ही जबरदस्त और अलग हटके म्यूजिक बजाते हैं। आपने देखा होगा प्लास्टिक के बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, ये उस डस्टबिन से म्यूजिक बजाते हैं और जो दूसरी बेकार सी चीजें होती हैं उससे म्यूजिक बजाते हैं। तो आप इनकी इस परफॉर्मेंस को देखिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मतलब ये है कि दूसरी जो बेकार चीज है उसको भी काम में ले रहा है और उसको भी म्यूजिक बजना है के बजा रहा है। मतलब ये तो बहुत बड़ी कला है। एक तो एक बात तो ये है कि मतलब जो काम की चीज नहीं है उसको भी काम में लेके मतलब उसको भी म्यूजिक बना रहा है। मतलब बहुत दिमाग वाले लोग हैं यार। सर ऐसे कलाकारी के जो है कि बेजा चीजों को, जो कचरे की चीज है उसको इस्तेमाल करके उन्होंने संगीत बना दिया, तो सर देखने वाली बात होगी। आप तो राइन भाई, वो तो कुछ भी हो, संगीत हो या कहीं भी हो, अपन तो नाचते हुए डांस में भी फेमस अपन। लगाओ सर इसी बात पे। फिर बहुत मजा आने वाला है। मतलब यार क्यों नहीं आएगा यार, डस्टबिन बजा रहा है यार, देखो तो। वाह यार, ओ हाथों रुको रुको उसको बजान दो यार। अरे मैं बजा दिया यार, क्या बजा सकता हूँ। टेबल नहीं ठोक रही है वो, टेबल नहीं ठोक रहा, तो घुटने ठोक रही है उसके। हाँ ये किसो हाथ छोड़ रहा है राजू उसके यार। तीन चार जगह पे ध्यान लगाना पड़ रहा है। ये बात तो है यार। ये तारी चल रही है, पट पे हाथ मारना है, पैर से हाथ बजाना है, फिर हाथ से बजाना है। ओ ये इसको देख के तो आम चप्पा चोरी वाले बोलते थे नहीं, वो वाला वो याद आ गया मेरे को देख के। पर ध्यान बहुत केंद्रित कर रखा राजू, दिमाग को। हाँ पूरा दिमाग उन्होंने वही लगा रखा है। हंस भी रहा हूँ, दिमाग भी लगा रहा हूँ। शाबाश, धक्का से उठा दे भाई अपने आप को। वाह यार, बहुत कलाकार है। डंडे तो नीचे पड़ा है, डंडे को हाथ में लेंगे देर से। ओहो कुछ नया तरह का डांग से क्या नाचे, ऐसा लग रहा है मेरे को तो परेड हो रही है। हाँ परेड लग रही, तकरीबन सात आठ लोग हैं। हाँ तो इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है। वाह यार क्या बात है यार। और ओहो केला उठा के उठा ऊपर देखो तो। ओहो क्या कर रहे हैं, देखो तो यार राहिन भाई वो जूते का खोखा बजा रहे हैं। तो क्या बात है यार, बाल्टी है, पाइप, चम्मच, हर बेजा चीज जो बिखड़ जाती है पड़ी रहती है कचरे में। तो पाइप ने चम्मच ने सब लिया है, तो घर के बर्तन सारे बाल्टी है। हाँ यार कलर पोतने की बाल्टी, और देखने कप प्लेट नहीं लिया है भैया ने। अबे इधर उधर ध्यान मत दे भैया, कितना प्यारा रहा उस पर ध्यान दे तू। अरे वो भी देख रहा हूँ मैं यार, देखो तो सही तुम पहले। उठी बाल्टी उठी, आया आया हाथ आया हाथ आया। ये उन्होंने क्या उठाया, साइकिल की रिंग। वो साइकिल की रिंग भी आ गई, लो तो घुमाएगा उसको। आया भैया अपना आ गया, कर लिया था ढक्कन। हाँ धीरे धीरे रंग में आ रहा है। फिर चढ़ के बैठ जाएंगे मेरे को लगता है। और ये तो ले आया, चद्दर चद्दर का ले आया। बात है यार, चद्दर चद्दर हर चीज काम में ले ली इन्होंने तो यार। अरे राजू भाई, अरे मैं तो बजाता था बचपन में, गुप्पी गुप्पा गुप्पी हो जाता था हम तो बचपन में, वो याद आ गई मेरे को देख के यार। वाह यार एक से कायदे पड़े दुनिया में यार। Oh! Okay.
उठा डंडा उठा 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 ये बजा रहा देखो कलाकारी से। ओहो ओहो क्या बात है गजब यार। धूम 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 चट धूम 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 चट धूम 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 चट धूम 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 ढक्कन बंद चालू करने आवाज निकाल दे। वो पेड़ से बजा रहा है राइन भाई पेड़ पे मार रहा है। हाँ देखो नहीं अभ्यास करा है इन्होंने बहुत ज्यादा है। सिर्फ लोगों को संगीत सुनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। मजे को कड़ा पा रहा है। चले आज चले वो बहुत स्पीड में बज रही है। अभी तो बहुत सी चीजें पड़ी हुई नीचे। हाँ यार छुटाना बाकी है अभी तो ने। बाटले पड़ी हुई है बाल्टी भी बाल्टी पानी की है देख रही है। हाँ काफी लोग इकट्ठे हो गए आसपास। दुनिया में एक से हुनरबाज पड़े ये बात तो मैंने देख ली यार आज यार। और इन हुनरबाजों को अपनी कला जो है कि बाजार में ही दिखा सकते हैं। हाँ। भरे भरे मजमे में चलते बाजार में। हाँ। आर्ट में कलाकार है कहते तो है दिखेगा तो बिकेगा। हाँ। अब ये दिख रही है उनकी कला की कदर देखो कि आज अपन इतनी दूर देख बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं उनको। हाँ यार बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत बड़ी बात है। नसीब वाले अपन तीनों जो देख रहा है अपन इनको। वाह यार ओ हो हो गजब यार राहिन जी मजे लाती है यार। ये लो ना ओ अब क्या करोगे अब भी कुछ बाकी है क्या। हाँ यार ताली बजा दी भैया भी ताली बजा ही दूँ। काफी धन इकट्ठा करके ले जाएंगे ऐसा लग रहा मुझे आज। तुम हर किसी चीज को धन से मत तोला करो राइन जी। अरे अरे वो तो एक इनाम वाली बात है अगला जो है कि तोहफे में जो है कि कुछ ना कुछ दे देगा। हाँ इनाम तो मिलेगा नहीं उनको। तुम कितने का पुरस्कार दोगे उनको। मैं कम से कम 11 रुपए का तो दे दूंगा। मेरी तरफ से 1000 रुपए इनाम। गाड़ी से यार वो गजब यार। बहुत बेहतरीन मजे ला दिए। दीदी भी है बीच में देखो। हाँ बीच में बाकी में मेरा स्टाफ था उनका पूरा स्टाफ था। तो ताली अभी तक नहीं रुक रही है ये। अच्छा राजू एक बात देखो जिस चीज को लोग फेंक देते हैं कूड़े करकट में। हाँ। पाइप है बाल्टी। हाँ। इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि उसको इस्तेमाल करके। हाँ एक मतलब यंत्र दे दिए। मतलब कहते हैं यार हमें यंत्र वादक की संगीत बजाने के लिए हमारे को बड़े सी ताल चाहिए बांसुरी चाहिए ढबले चाहिए ढोलक। उनको उस चीज की मोहताज ही नहीं रही। वो तो जो है कि कचरे में चीजों को उठाई उससे जो है कि ताल बना दी सालों ने। हाँ, हटाओ हटाओ तुम्हें क्या यंत्र लाओगे पैसा खराब करोगे हम जो है कि इससे बना के बता दें। राइन जी जो असली कलाकार होता है ना वो इन सब चीजों के लिए अपने आप को रोकता नहीं है। उसको तो क्या कोई सी भी चीज मिल जाए अपनी कला दिखाए बिना मानता नहीं। वो कला दिखाई देता अपनी वो सच करो। हाँ, कोई सी भी चीज से दिखा देता हो। मैंने तो ये वीडियो देखी तो मैंने वीडियो में तो इनको देखा। बाकी मेरी तो एक इच्छा इनके शरीर की हो रही है कि इन्होंने जो डस्टबिन बजाया नहीं इसे मैं कचरे की बाल्टी लाऊं ना उसको भी बजाऊं टमाटम टमाटम इनके शरीर की कलाकारी करूं।
देखना रे घर पे कचरा अचरा कभी खराब कचरा गीला कचरा पड़ा हो उसमें बैठ मत जाना, जो तन तन भरे रहते हैं अपने यहाँ तो। हाँ कचरे के डब्बे में थप करके घुस जाओगे अंदर, वो भी मिलोगे भी नहीं, बड़े बड़े पेटी घर है अपने। सर ये वीडियो तो हो गई खत्म, आप अब हमारा गाना सुनिए। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1 My name is Aman My name is Aman मेरा नाम है अमन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1 My name is Aman मेरा नाम है अमन।